वाला फ्रेंच इंडियन कुकिंग स्पेशलिस्ट चैनल की तरफ से मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोग का प्यार भरा सपोर्ट से लेकर आया और एक नया वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आज बना रहा हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। तो इसी तरह पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले अभी हम इसमें ऐड करेंगे आधा स्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे आधा स्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 स्पून से थोड़ा कम, लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 1 स्पून, नमक ऐड कर देंगे 1 स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा चिकन मसाला ऐड कर देंगे, अभी तेल ऐड कर देंगे, चिकन को अच्छा सही से मिक्स करेंगे मसाला का साथ। इसमें ऐड कर देंगे प्याज, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही खाने में दही डालने से थोड़ा खट्टा जैसा लगता है, तो इसीलिए दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, तो 700 ग्राम चिकन में 1/2 kg राइस ऐड करेंगे। हम चिकन को 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे, आधा घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे, तब लोग हम बाकी काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बासमती का राइस है, इसमें 1 kg राइस है, मैं 1/2 kg बनाएंगे, क्योंकि 700 ग्राम चिकन लिया है, 700 ग्राम चिकन में हम 500 ग्राम चावल बनाएंगे। तो इसमें हमें पानी में भिगा के रखना है। हाफ एन आवर हम इसे ही रख देंगे, तब तक हम चिकन रेडी कर लेंगे। तो अभी हमें चिकन को हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी चिकन दम बिरयानी बनाता है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, तो मैं बहुत रिस्क से बनाएंगे। तो देख लीजिए इनको मैंने 20% पका लिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटो कट करके लिया, 1 टमाटो कट करके लिए, 1 टमाटो ऐड कर देंगे। अभी हम और 5 मिनट्स पकाएंगे। अभी हमारा 20% हो गया चिकन, हमें 80% पकाना है। अभी हम 5 मिनट्स और पकाएंगे। हमारा चिकन रेडी होने तक हम चावल को निकाल देंगे। तो देख लीजिए 1/2 घंटा हो गया। अभी हम पानी फेंक देंगे, चावल को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इस प्लेट चावल को हम पानी से निकाल दिया है। अभी हम बिरयानी बेटने तक हमेशा कवर करके रख देंगे, बिरयानी बेटने तक सिर्फ 5 मिनट्स। हमारा चिकन भी 80% हो गया। अभी हम थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे। हो गया हमारा चिकन हो गया। अभी हम लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा धनिया, ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। अभी हम निकाल देंगे और बिरयानी के लिए एक बर्तन में हम पानी गर्म कर लेंगे। मैंने बिरयानी के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया। अभी हम इस पानी में हम ऐड करेंगे 2-3 पुदीना पत्ता ऐड कर देंगे, 2 तेज पत्ता ऐड कर देंगे, नींबू छोटा सा ऐड कर देंगे, 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे। हो गया हमारा पानी गर्म हो गया। अभी हम निकाल देंगे और बिरयानी बेटा देंगे। इसे भी हम बिरयानी बनाएंगे, तो अभी तेल ऐड कर देता हूँ। इसी तेल पे हमें 6-7 इलायची लिया, इलायची ऐड कर देंगे, थोड़ा लौंग लिया है अभी लौंग भी ऐड कर देंगे, दालचीनी लिया दालचीनी भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज लहसुन सब भी ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देता हूँ, प्याज को भी ऐड कर देंगे। 5 मिनट्स हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट्स मैंने पका लिया। अभी हम थोड़ा काजू ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, तेज पत्ता सब ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अभी हम उसका साथ मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे बासमती राइस। अभी हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे, फिर से मिक्स करेंगे। अभी मिक्स कर लिया है। अभी हम गर्म किया हुआ पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे।
भी हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट। मैं इसे कवर करके 5 मिनट से रख देंगे, तब तक हमारा बिरयानी हो जाएगा। 10 मिनट्स हो गया, अभी हम देखेंगे। अभी हम ऐड कर देंगे पुदीना पत्ता, ऐड कर देंगे। अभी ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, ऐड कर देंगे। अभी हम इस बिरयानी को दूसरा बर्तन का ऊपर बैठा देंगे। मैंने ये तवा ले लिया, ये तवा बहुत हैवी है, बहुत मोटा है तवा, तो इस हैवी तवा को ऊपर हम बिरयानी को बैठा देंगे। इस बिरयानी को हम ऐसे बैठा देंगे तो 20 मिनट्स तक, गैस को स्लो करके ऐसे 20 मिनट्स तक हम ऐसे रख देंगे। गैस को थोड़ा कम कर देंगे और 20 मिनट तक हम ऐसे रखेंगे, कवर ऐसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो गया, अभी हम गैस को ऊपर से निकाल दिया, अभी हम देखेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना बढ़िया से हुआ, कलर देखिए क्या मस्त है। बिरयानी कितना मस्त हो गया। अभी हम ऊपर से थोड़ा घी ऐड कर देंगे, देखिए कितना मस्त बन गया। आप लोग भी एक बार इसे बनाइए। देखिए बहुत ही मस्त बन गया यार, आप लोग एक बार बना के देख लीजिए, याद करेंगे कितना मस्त बना है। एक साथ में हम पानी डाल दिया, आप लोग कन्फ्यूज हो गया ना, कोई बात नहीं, पानी ज्यादा हो गया तो पानी निकलने को भी रास्ता होता है। मस्त बना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय।